रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। 70 का ये वो दौर था जब हिंदी सिनेमा में देवानंद, जितेंद्र, राजेश खन्ना और धर्मेंद्र जैसे स्टार दर्शकों के दिलों पर राज करते थे। इसी दौर में साल 1969 में सात हिंदुस्तानी फिल्म से अमिताभ बच्चन नाम के एक नए लड़के ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था। किसे पता था यही अमिताभ बच्चन मुकद्दर का सिकंदर निकलेगा और सदी का महानायक कहलाएगा। 1973 में प्रकाश मेहरा के निर्देशन में बनी फिल्म जंजीर से अमिताभ बच्चन ने बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी की जो सीढ़ियां चढ़नी शुरू की, जिसे पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। शहंशाह फिल्म का ये डायलॉग इतना मशहूर हुआ कि आज भी वो बॉलीवुड के शहंशाह बने हुए हैं। बॉलीवुड के शहंशाह ने बुलंदियों के उस आसमान को छुआ जिसे पाना हर एक्टर का सपना होता है। वरिष्ठ अभिनेता और बुलंद आवाज के धनी अमिताभ बच्चन को इस भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाएगा। 24 सितंबर को केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। अब अमिताभ ने भी इस सम्मान से नवाजे जाने के लिए आभार व्यक्त किया है। अपने ऑफिशियली ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट के जरिए उन्होंने अपनी खुशी जाहिर की है। अमिताभ ने ट्वीट के साथ एक फोटो शेयर की जिसमें वो हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं। बिग बी ने लिखा, मैं कृतज्ञ हूँ, परिपूर्ण आभार और धन्यवाद। मैं केवल एक विनयपूर्ण विनम्र अमिताभ बच्चन हूँ। वीडियो की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करते समय घंटी बजाना ना भूलें।